नमस्कार। तुला राशि बहुत महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर वीडियो बनाना इसलिए आवश्यक हुआ है कि इस मास के अंत में और बीच में कुछ ग्रहों का परिवर्तन तुला राशि के लिए क्या क्या लेकर के आया है, क्या देकर गया है गुरु और क्या देकर जाने वाला है कमिंग आफ्टर 25 डेज। इसके साथ साथ तुला राशि के चित्रा स्वाति और विशाखा नक्षत्र के सभी बहन भाइयों के लिए नई नई खुशियां, नए नए ग्रह और महादशाएं क्या करती हैं और क्या उनका संबंध आज के समय में चल रहे ग्रहों के साथ है, किसको नौकरी मिलेगी, किसकी शादी होगी, किसकी शादी में विघ्न और बाधाएं होंगी, शादी का योग अभी है या नहीं, कब तक विवाह के योग बनेंगे, बच्चों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, कुछ को नौकरी नहीं है, कुछ के ट्रांसफर हैं, किसी को विदेश में जॉब मिल रहा है, किसी का छूट गया है, किसी की विदेश जर्नी अचानक वीजा संबंधी प्रॉब्लम आ गई है। ये सब बातें देखते हुए हम बात करेंगे तुला राशि की और आप निश्चित रूप से जानिए, हम कभी बड़ी बड़ी बातें दावा नहीं करते हैं बिल्कुल भी, लेकिन आज हर व्यक्ति को ये लगना चाहिए कि मेरे बारे में ही बात हो रही है। सिर्फ शर्त यही है कि वो तुला राशि का होना चाहिए कुंडली के अनुसार, जॉडिक साइन, नक्षत्र साइन, चित्रा स्वाति और विशाखा के अलावा। जिनको थोड़ा सा भी संदेह है वो ना देखें और ये भी दावा ना करें कि आप तो अच्छा ही अच्छा बताते हो, खराब नहीं बताते, खुश कर देते हो, लेकिन वो भी लोग सुने जिनको लगता है कि नहीं आपने तो हमारे लिए बहुत खराब बताया है। भाई बिल्कुल मत देखो, अच्छा लगे आपको, रेलेवेंट ये आपका ग्रह आपसे जुड़ता हुआ है, आपकी महादशाएं और आज के समय में जो वर्तमान गोचर चल रहा है उस गोचर से आपका क्या संबंध है, वो आपको क्या नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है। ये एक तुला राशि परिवार के लोगों का एक समूह है, पूरे विश्व के तुला राशि वालों से बात कर रहा हूं, उन लोगों से खास तौर से जो लोग ज्योतिष की बहुत अच्छी बेसिक जानकारी तो रखते ही है, जिनको ये मालूम है ये असेंडेंट होता है, ये राशि है, ये ज्योतिष साइन, ये नक्षत्र, इसके ये इफेक्ट होते हैं, ये डिग्री होती है और लग्न राशि आदि से संबंध और महादशाओं का ज्ञान होता है, उनसे बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे जो वीडियो होते हैं उस स्तर के लोगों के लिए हैं जो बहुत वेल क्वालिफाइड लोग हैं। और मैं महसूस करता हूं जब उनके फोन आते हैं, आज भी कल भी पिछले कई एक डेढ़ साल से मैंने ये महसूस किया है, जो भी वेल क्वालिफाइड आदमी है, और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो हमसे भी ज्यादा अच्छी ज्योतिष जानते हैं, हमें आप छोटा समझिए और हम इतने बड़े ज्ञानी नहीं है, फिर भी हम बात करते हैं तुला राशि की और 12 के 12 लग्नों की। अब तुला राशि में तीन नक्षत्र आते हैं, चित्रा नक्षत्र तीसरा चौथा चरण, स्वाति नक्षत्र चार चरण और विशाखा नक्षत्र के तीन चरण, अब नौ चरणों से मिलकर तुला राशि बनी। और इसमें क्रम क्या होता है दशाओं का, मंगल की दशा से आरंभ होता है चित्रा नक्षत्र, राहु की दशा से आरंभ होता है स्वाति और विशाखा नक्षत्र बृहस्पति की दशा से शुरू होता है। तो जीवन में जब आप अच्छे एडल्ट हो जाते हैं, होश संभाल लेते हैं कैरियर की शुरुआत करने के लिए, हम उन लोगों से ज्यादा बात करेंगे जो अपनी इस एज के पड़ाव में इस समय राहु बृहस्पति और शनि इनकी दशा से कैरियर शुरू चल रहा होगा अभी। अब ज्यादातर आपको तुला राशि वालों को किन किन दशाओं से पाला पड़ता है
आप पहले अपनी राशि को अपने से जोड़ लीजिए। मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्र, इसके अलावा और कोई महादशा नहीं आएगी तुला राशि वालों के लिए। अब हम बात करेंगे, देखिए अब आपको पता चल गया कि राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र यही दशा चल रही है आपकी और कोई दशा नहीं चल रही। वो जो 90 साल का हो चुका होगा व्यक्ति, उसके सूर्य और चंद्र की मैं मान सकता हूं। खैर आइए बात करते हैं मेष लगन और तुला राशि। सप्तम भाव में चंद्रमा, जीवन साथी बहुत अच्छा मिलता है और राहु की महादशा शुभ फल देती है। अब हम बात करते हैं राहु क्या है। राहु ऐसा होता है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जैसी राशि होती है वैसा ही फल मिलता है। जिस स्थान में बैठता है उसका वैसा ही फल मिलता है। राहु कहता है तेरा तुझको अर्पण, जैसे ग्रह के साथ मैं बैठूंगा वैसा ही फल दूंगा, जिस भाव में बैठूंगा वैसा फल दूंगा। अब तुला राशि और मेष लग्न की बात कर रहे हैं। बृहस्पति शनि बहुत अच्छा फल देते हैं, 35 साल की दशा होती है देखिए दोनों की मिक्स, 16 साल बृहस्पति 19 साल शनि, 35 साल जीवन का लगभग आधा समय आधी लाइफ सुख और राजाओं के समान कटती है। अगर 17 वर्ष बुध की दशा कुछ स्ट्रगल दे देती है आपको, कष्ट देती है, तो आपको शिकायत नहीं करनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, केतु और शुक्र की महादशा अच्छे फल देती है। शुक्र की महादशा में मारक बन जाता है शुक्र मेष लगन में, खासतौर से ज्योतिष शास्त्र के एक ग्रंथ लघु पाराशरी के सिद्धांत के अनुसार। अब आया वृषभ लगन। वृषभ लगन तुला राशि छठे भाव में चंद्रमा कष्टकारक होता है, नेगेटिव थॉट, दस्त से एलर्जी, कई प्रकार के रोग, ऐसे बच्चों के यहां जन्म के समय में दवाइयां बॉइल करके पका करके क्वाथ काढ़ा पका करके दिया जाता है या दवाइयों की छोटी सी डिस्पेंसरी बन जाती है घर। राहु की दशा मंगल राहु बृहस्पति ये तीनों कष्ट कारक माने जाते हैं, लेकिन राहु तो भले फिर भी ठीक होगा। मंगल और बृहस्पति की दशा वृषभ लगन में अच्छा फल नहीं देती, लेकिन इन सब का टोटल कोटा पूरा करने के लिए 19 वर्ष शनि की दशा इतना ज्यादा सुख देती है कि आप पिछले 16 साल के दुख को भूल जाते हो। फिर एक कहानी बन जाती है, अरे मैं इतने साल का था, मुझे ये दिक्कत आई थी, मैं वहां एडमिट हुआ था, मेरी बीमारी में पैसा लगा, ये एक इतिहास बनता है। बुध की दशा 17 वर्ष यानी कि 19 और 17 36 साल तक लगातार शुभ फल और सुख कारक तरक्कीदायक समय रहता है। और उसके बाद केतु और शुक्र की महादशा भी सामान्य फल प्रदान करती हैं, सूर्य चंद्रमा भी अच्छा फल देते हैं। अब आया मिथुन लगन तुला राशि पंचम भाव में चंद्रमा, ज्ञान बुद्धि विवेक बहुत, डिसीजन थोड़ा लेट देरी से होता है इनका। और देखिए अब दशाओं की कितनी सुंदर स्थिति है। मंगल राहु बृहस्पति तीनों अच्छा फल प्रदान करते हैं क्योंकि मिथुन लगन है, दो केंद्राधिपति हैं सप्तम और दशम। शनि की दशा 19 साल, अब यहां देखिए कितना 18, 16, 34, 34, फिर 19, 53 और 17, 70 साल की उम्र मिथुन लगन तुला राशि की एकदम सुपर फास्ट ऐसा लाइफ चलती है जैसे कि बढ़िया सड़क बनी हुई होती है ना, जब कोई उस पर कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं होता, ऐसा सुख प्राप्त करते हैं। खान पान अच्छे कपड़े, और लोग बोलते हैं यार ये ऐसे ही नॉर्मल सा तो आदमी है लेकिन पैसा बहुत है इसके पास,
ज्ञान अच्छा है, भाग्य अच्छा है, संतान तरक्की करती है, पढ़ाई अच्छी कर लेते हैं, तो सुख अगर आपको अपने देखने हैं तो मिथुन लगन और तुला राशि के लिए अच्छा है। लेकिन आपके अगर मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करने वाले ग्रह बैठे हैं तो इसमें आपकी जिम्मेदारी है। सप्तम भाव में अगर केतु और राहु, मंगल शनि का अगर कोई युति है, या बृहस्पति नीच राशि में या ऐसे स्थान पर बैठा है, अस्त या वक्री है बुध और शुक्र बृहस्पति, तो कष्ट देता है। अब हम बात करेंगे कर्क लगन और तुला राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा। चौथे भाव में जब चंद्रमा होगा तो और वो लगन का स्वामी होगा तो नेचुरल है, सुख तो देगा ही देगा। और मंगल की दशा आते ही आपके पिता की भी उन्नति होगी। राहु आपको 18 साल तक इतनी सुंदर स्थायित्व तो स्टेबिलिटी दे देता है लाइफ में कि आप सुखी हो जाते हैं। और माँ बाप ये बोलते हैं हमारा बच्चा तो सेट हो गया। अब उसके बाद इतना ही नहीं, सुख के और भी पड़ाव हैं। बृहस्पति की दशा भाग्य को निरंतर चमकाती है तथा आपके शत्रु बहुत होते हैं। मन में इतनी कुंठा, अशांति, तनाव, ईर्ष्या होती है ऐसे आदमियों को देखकर। कर्क लगन और तुला राशि चतुर्थ भाव में जब बृहस्पति की दशा आती है तब शत्रु बहुत हो जाते हैं। शनि 19 साल तक अच्छे परिणाम देता है, बुध की मां दशा विदेश में भेजती है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाहरी रिसोर्सेज से धन लाभ होता है। सिंह लगन तुला राशि तीसरे भाव में चंद्रमा बहुत अच्छा सुंदर कैरियर होता है। अगर शुक्र अच्छी पोजीशन में है तो वकील, जज, डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर तथा अच्छे कानून विशेषज्ञ सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में नाम होता है। और ऐसे व्यक्तियों को हर समय ये डर लगा रहता है कि मेरी छवि, मेरी जो वो है रेपुटेशन खराब ना हो जाए कहीं। अक्सर लोगों से पूछते रहते हैं वो कोई मेरे बारे में गलत तो नहीं बोल रहे, या उस व्यक्ति को अपने सम्मान का 24 घंटे ध्यान और ख्याल रहता है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरी छवि धूमिल हो जाए। और राहु बृहस्पति तो सामान्य जैसे निकल जाते हैं, लेकिन शनि की महादशा में ऐसा व्यक्ति लोन लेकर, कर्ज लेकर के सपोर्ट भी बहुत मिलता है, भूमि, भवन, वाहन, सवारी, किसी की जमानत कराने के चक्कर में या गुड फेथ में ज्यादातर ऐसे आदमी दूसरा का भला करने के चक्कर में अपना बुरा कर बैठते हैं। दाम्पत्य जीवन बड़ा कड़वा हो जाता है, कटु, अशांत मन होता है। आज की तारीख में राहु वैसे भी आपके अष्टम भाव में है लगन से और तुला राशि के छठे भाव में, इतनी अच्छी पोजीशन है, कमर में दर्द तो रहेगा कभी कभी, लेकिन मन अशांत, उद्विग्न चित्त। अब आपके लिए बृहस्पति प्रमोशन देगा, सिंह लगन के अनुसार है ये, लेकिन भले ही तुला राशि है आपकी अष्टम भाव में बृहस्पति, लेकिन गोचर की कंडीशन को देखते हुए आपकी राहु और बृहस्पति की दशा चल रही है तो बृहस्पति आपको शुभ फल भी प्रदान करेगा, लेकिन शनि लोन कर्ज पर आपको रहने को मजबूर कर सकता है। डिपेंड करता है शनि कहां बैठा है, लेकिन 17 साल बुध की दशा अच्छा परिणाम देती है। केतु की दशा में शुभ फल और 20 साल शुक्र की महादशा में डबल बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सिंह लगन के लिए तीसरे और दशम भाव का स्वामी शुक्र और राशि का स्वामी भी शुक्र अगर कुंडली में अच्छी जगह बैठा तो जीवन भर 20 साल लगातार साम्राज्य बन जाता है आपका अच्छा। अब हम कन्या लग्न और तुला राशि की बात करते हैं। ये लोग बहुत धनवान होते हैं, राहु अच्छा फल देता है 18 वर्ष तक,
बृहस्पति 16 साल अत्यंत शुभ और 19 साल शनि भी अच्छा फल देता है। अब आप बात करेंगे कन्या लग्न होने के कारण 17 साल तक बुध भी इनको हाथों पर रखता है। लाड़ प्यार मिलता है पूरी दुनिया का, धन ऐश्वर्य स्वर्ण मोती मान सम्मान बहुत रेस्पेक्ट मिलता है, वाहन बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। बाकी दशाएं शुभ। तुला लगन, तुला राशि, लगन में चंद्रमा होने से ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा, गुणवान होगा, बहुधंदी। बहुधंदी का मतलब मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्क। वो कभी सोचता है होटल चलाऊं, कभी सोचता है कपड़े का काम करूं, कभी सोचता है शराब का व्यापार। राहु और मंगल शनि ये अफीम चरस गांजा, और राहु जो है रेगजीन का काम भी कराता है, चाय में भी नशा है, कॉफी में भी नशा है। तो कॉफी का चाय का कलर कैसा है? ब्राउन कलर है, तो ये राहु का कलर है। तो स्पोर्ट्स, जो आदमी क्रिकेट खेलता है, वॉलीबॉल खेलेगा या स्पोर्ट्स में जाएगा, तो भी राहु उसको इंडिकेट करता है। किसी आदमी ने क्रिकेट बास्केटबॉल बैडमिंटन की दुकान कर ली कि स्पोर्ट्स का सामान बेचने वाला, वो राहु कराता है। और दो चीज और बताता हूं, फिल्में और राजनीति। फिल्मों में वो काम किया जाता है जो असली नहीं होता, ध्यान से सुनना। अभिनय करना पड़ता है, जो है नहीं वो दिखाया जा रहा है, वास्तविकता नहीं होती वो। ठीक इसी प्रकार राजनीति है, छल और कपट की राजनीति है। झूठ बोलना पड़ता है, मैं तुम्हारे इलाके में सड़क बनवाऊंगा, मैं तुम्हें यहां नौकरी दिलाऊंगा, मैं तुम्हें जमीन दे दूंगा, मकान दूंगा, तुम्हें खाना दे दूंगा, तुम्हें रोज रोटी मिलेगी अच्छी, तुम्हें वस्त्र देंगे, ठंड में तुम्हारे लिए इंतजाम किया जाएगा, रैन बसेरे का। ये सब राजनीति, छल कपट। रामचरितमानस में लिखा है दंभ कपट जिनके मन माया। मारीच और कालनेमी, ये राहु का प्रतीक है। कालनेमी जिमी रावण राहु, राहु राजनीति का कारक है। तो इसीलिए राहु की महादशा में जिस लग्न की हम बात करें, तुला लग्न और तुला राशि, दशम भाव में चंद्रमा होता है, तो मल्टी टैलेंटेड मल्टी टास्क कई प्रकार के धंधे करता है। इधर परचून की दुकान, उधर जिम भी खोला हुआ जिम, उधर ट्रक चल रहे हैं आपके, उधर होटल की भी कपड़े का भी काम है। मतलब जो आदमी, ऐसे आदमी कई प्रकार के काम करते हैं। अब क्या हुआ, तो तुला राशि के लिए शनि सबसे अच्छा फल देता है, बुध भी विदेश यात्रा कराता है और भारी रिसोर्सेज से धन कमाता है मनुष्य। रोज घर से जाएगा परांठे आलू और सब्जी लेकर के, और फिर शाम को आएगा वापस। ये करेक्टरिस्टिक्स है। और वृश्चिक लगन और तुला राशि, 12वें भाव में चंद्रमा, मान सम्मान प्रॉपर्टी पैसा जायदाद तरक्की भाग्य बहुत मजबूत, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी 12वें चला गया। यत्र तत्र सर्वत्र पैसा कमाता हुआ घूमता है, भाग्य उसका हमेशा उसके साथ चलता है। और राहु बृहस्पति की महादशा शुभ फल देती है। सबसे अच्छी दशा 19 साल तक शनि की होती है। बुध की दशा भी लगातार शुभ फल देती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कई प्रकार के झगड़े झमेले झंझट लफड़ों में फंसता रहता है। लड़ाई झगड़ों से या विवादों से, कई प्रकार के स्कैंडलों से उसका नाता रहता है, विवादों में फंसा रहता है रोज। शनि बुध केतु शुक्र सब अच्छा फल प्रदान करते हैं। धनु लगन तुला राशि, लाभ भाव में चंद्रमा, लेकिन अब इस चंद्रमा को देखिए, अष्टम भाव का स्वामी है, लाभ स्थान में बैठा है। नाक की बीमारी, जुखाम खांसी एलर्जी,
कई प्रकार के रोग, अगर मंगल भी खराब है तब तो कोई छोटा मोटा ऑपरेशन सर्जरी होती है। कारण क्या है कि चित्रा स्वाति विशाखा तीनों में से मंगल जन्म स्थान, जन्म के समय में ही ऑपरेशन हो जाता है कई बार, या हड्डियों से संबंधित वाणी दोष राहु शुभ फल देता है लेकिन खराब स्थान में अच्छा फल नहीं देता, बृहस्पति को राजा बना देता है, 19 साल शनि अच्छे फल देता है, 17 वर्ष बुध इनको ऐसे ऐसे ज्ञान बुद्धि विवेक कला कौशल तथा 17 वर्ष तक लेखन कार्य, किताब लिखना छापना, उनका विमोचन होना, बड़ी बड़े रेस्पेक्ट मिलना, न्यायाधीश बनना, ऐसे योग बन जाते हैं अचानक। उसके बाद मकर लग्न के साथ जब तुला राशि का हम कॉम्बिनेशन देखते हैं, दशम भाव में चंद्रमा, पैसा रेस्पेक्ट प्रमोशन इंक्रीमेंट लगातार शुभ फल मिलते हैं, मकर लग्न में राहु अच्छा फल देता है, बृहस्पति विदेश भेज देता है या खर्चा कराता है या घर छोड़ करके बाहर जाने को मजबूर होता है, व्यक्ति बृहस्पति की दिशा में एक जगह टिकता नहीं है, भाइयों से भूमि विवाद के कारण या जमीन संपत्ति विवाद के कारण अलग होना पड़ता है। उसके बाद शनि उनको 19 वर्ष तक वरदान देता है और भाग्य उदय होता है फिर लास्ट में, क्योंकि बुध इनका भाग्य स्थान का स्वामी है। कुंभ राशि के लिए नवम भाव में चंद्रमा भाग्य स्थान में बैठा है, छठे भाव का रोग स्थान का स्वामी राहु दशा 18 वर्ष शुभ फल देती है और बृहस्पति लगातार धन, निरंतर पैसा पैसा पैसा, सोना सोना सोना। कारण क्या है, लाभ भाव का स्वामी गुरु, धन स्थान में संचित धन, इधर से कमा रहा है आदमी उधर इकट्ठा करता रहता है। बात खुशी की यहां निरुक्ति अब शुरू होगी, यहां से 18 वर्ष गिनिए आप, राहु शुभ फल देगा 16 वर्ष गुरु 34, 19 साल शनि अच्छा फल देगा 53, 53 में अब 17 वर्ष बुध जोड़ दीजिए। बुध आपकी जो संताने हैं वो क्या, संतान के प्रति जो दायित्व है आपका पूरा होगा, हृदय रोग या नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, प्रॉब्लम करता है, मेडिकल चेकअप होते रहते हैं। केतु और शुक्र की महादशा वरदान बनती है आपकी लाइफ में, ये मैंने कुंभ लग्न का बताया। अब मीन लग्न अष्टम भाव में तुला राशि पंचम भाव का स्वामी अष्टम में बैठ गया, एजुकेशन से संबंधित कुछ परेशानी, व्यवधान या संतान से संबंधित जुड़ी हुई परेशानी, संतान के लिए कष्ट। अब संतान के लिए कष्ट दो तरह के, एक तो संतान हो नहीं रही इस बात की चिंता, अगर हो गई है तो बीमार, अगर बीमार भी नहीं हुई बड़ी हो गई संतान तो पढ़ाई की चिंता, पढ़ाई भी ठीक ठाक हो गई तो अब नौकरी की चिंता, अब शादी नहीं हो रही जी बच्चे की। तो इस तरह की मीन लग्न का पंचम भाव का स्वामी जब अष्टम में चला गया, कुतो सुखम सुख की अभिलाषा नहीं करना, इसीलिए हम बोलते हैं कुंडली मैच करो, एक के भाग्य में संतान नहीं है, दूसरा अगर जीवन साथी का बृहस्पति मंगल राहु अच्छा है तो संतान तो होगी, मान सम्मान भी होगा, बस संतान पढ़ाई लिखाई ठीक होगी, क्योंकि दोनों की कुंडली मिलाने के बाद ही जीवन के एनालिसिस करना ज्यादा अच्छा होता है। एक बात देखिए कि राहु और बृहस्पति अच्छा फल देते हैं, इसमें 34 साल आपके अच्छे निकल जाएंगे, क्योंकि मीन लग्न का स्वामी 16 साल तक खराब फल तो नहीं दे सकता, राहु खराब फल नहीं देता, ये स्वाति नक्षत्र की बात कर रहे हैं अगर हम तो, या चित्रा की, विशाखा वालों का बृहस्पति की दशा से करियर शुरू होता है, उसके बाद शनि
बुध केतु शुक्र इसकी सीक्वेंस है। तो ये दशाएं बृहस्पति 19 वर्ष तक शनि, मीन लगन के लिए लाभेश है ये, तुला लगन के लिए योग कारक चतुर्थ पंचम का स्वामी। तो कुल मिलाकर के ये 12 लग्नों का फल है, तुला राशि और 12 लग्नों का फल आज की तारीख में। जैसे कि जिन जिन के लिए खराब पोजीशन है वो कौन सी राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन, कुंभ, कन्या और सिंह। मेष के लिए दोनों तरफ से, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, दोनों तरफ से आफत आई। क्या अभी 7.5 ही आने वाली है अगले वर्ष, और अभी बारवराहु भी चल रहा है, तो जाएं तो जाएं कहां। लेकिन प्लस पॉइंट यही है कि मेष के लिए बृहस्पति अच्छा रहे, वृषभ के लिए शुभ होगा, मिथुन के लिए खर्च का कारक यात्रा कारक, और सबसे ज्यादा एकदम शुभ फल देगा कर्क को और सिंह को। कन्या के भाग्य स्थान में होगा, भाग्य उदय करेगा, केतु के साइड इफेक्ट को कम करेगा, तुला के लिए अच्छा फल नहीं देगा, लेकिन धन के लिए शुभ होगा। आपकी वाणी सौम्य होगी, आपके कार्य बनेंगे। वृश्चिक के लिए शुभ, क्योंकि पूरी की पूरी दृष्टि वृश्चिक पर अब आने वाली है। भले ही आप जितने दुखी थे, षड्यंत्र हो रहे थे आपके खिलाफ, चोट बीमारी झगड़े तनाव चिंता, अब उन पर विराम रहेगा, धनु के लिए अच्छा नहीं है, और मकर के लिए अत्यंत शुभ, और कुंभ के लिए तरक्कीदायक, भूमि भवन वाहन सवारी प्रॉपर्टी जायदाद तरक्की, सोना चांदी मकान जमीन प्रमोशन सब कुछ देगा। मीन लगन के लिए विवाह या मांगलिक कार्य, पैसा धन दौलत सब कुछ मिलने वाला है तुला राशि वालों को। नव वर्ष की पुनः कालयुक्त नाम के संवत्सर की पुनः शुभकामना के साथ पूरे तुला राशि वाला विश्व का वसुधैव कुटुंबकम के अनुसार सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद, नमस्कार।